हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं टेली प्राइम। और टेली प्राइम के आज के इस क्लास में हम लोग कुछ वाउचर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, कब, जब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तब, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जैसा कि जितना भी वाउचर्स होता है टैली में, जितना भी वाउचर्स टैली में होता है, वो सब आपको कहाँ मिलेगा? आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए, यहाँ पे देखिए वाउचर दिख रहा होगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। मैं कंपनी क्रिएट करना नहीं बता रहा हूँ, आई होप कि आप सबको कंपनी क्रिएशन आता होगा। मैं सिर्फ आज आपको वाउचर का यूज़ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वाउचर में जाएंगे, तो यहाँ पे सारा वाउचर्स आपको दिख रहा है। और एक्स्ट्रा वाउचर्स अगर हमको चाहिए तो उसके लिए अदर वाउचर्स में हम लोग जाएंगे, तो वो वाउचर्स भी हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारा वाउचर्स डीएक्टिवेट होता है, अगर वो भी चाहिए रहेगा हम लोगों को तो उसको भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाउचर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सबसे पहला वाउचर जो मैं आपको समझाऊंगा वो देखिए वो कौन सा वाउचर है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट वाउचर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको वाउचर का नाम दिख रहा होगा, रिसिप्ट वाउचर। कैसे पहुँचे हम लोग यहाँ तक, अगर ये जानना है आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ थे। हम लोग गेटवे ऑफ टैली में थे, हम लोग गेटवे ऑफ टैली में थे, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग कहाँ आए, हम लोग आए वाउचर में, हम लोग आए वाउचर में। और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा रिसीट वाउचर, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए तो हम लोग रिसीट वाउचर में आ गए, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर आप कीबोर्ड से आना चाहते हैं तो आपको F6 बटन प्रेस करना होगा। कौन सा बटन प्रेस करना होगा? F6 बटन प्रेस करना होगा। और मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा का यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, जैसे काउंटर का F4, F5, F7, F8, सेल का, परचेज का, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो रिसीव्ड वाउचर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका यूज क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक चीज, अब ये क्या चीज है, ठीक है। इसे मैं कहूंगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होगा कि देखिए जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा, पैसा हम लोग जब भी रिसीव करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मनी, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मनी। जब भी मनी आएगा, बात समझिए, जब भी मनी आएगा तो इसका जो एंट्री होगा, इसका जो क्या होगा, एंट्री, इसका जो एंट्री होगा, ठीक है, वो कौन सा वाउचर में होगा, वो आपका रिसीव्ड वाउचर में होगा। वो कौन सा वाउचर में होगा, वो आपका रिसीव्ड वाउचर में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना है, ठीक है। दूसरा बात, जैसे कि ये आपका सिंगल एंट्री मोड में है ना, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा होगा, पर्टिकुलर नजर आ रहा होगा। और जैसे इस वाउचर में, इस बॉक्स में हम लोग फिलअप करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक हम लोगों को क्या नजर आएगा, बॉक्स नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग को क्या नजर आएगा, एक बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। तो ऊपर का बॉक्स में दिमाग में एक बात याद रखिए कि दो ही चीज आएगा, कभी भी आप रिसीव्ड वाउचर में आएंगे तो यहाँ पे दो ही चीज आएगा, एक या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा। मेरा बात समझिए, ऊपर रिसीव्ड वाउचर में जब भी आएंगे तो ऊपर वाला जो बॉक्स है, अगर आप इस मोड में है, मोड अगर चेंज अगर मैं कर दूं तो उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंगल मोड के बारे में ही बात कर रहा हूँ,
जैसे ये ऊपर वाला बॉक्स दिखा रहा, तो यहाँ दो ही चीज आएगा, एक आपका कैश आएगा, एक आपका बैंक आएगा। वो कैसे? देखिए, आपको पता ही होगा कि आपका जो बिजनेस है, तो आप दो अकाउंट बनाएंगे। दो अकाउंट मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है देखिए, लेकिन दो अकाउंट का मतलब है कि एक आपका कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट का मतलब है कि ये जो पैसा है, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? ये कैश अकाउंट में जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहा है, या फिर आपको चेक दे रहा है, या आपको बैंक ट्रांसफर कर रहा है, तो यही पैसा कहाँ जाएगा? आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। यही पैसा कहाँ जाएगा? आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। मतलब ये जो मनी था, ये कहाँ जाएगा? मनी जाएगा। तो मनी जो आएगा वो दो ही जगह जाएगा, या तो वो कैश अकाउंट में आएगा, या तो वो बैंक अकाउंट में आएगा। और मनी आपको कभी भी कोई देता है तो दो ही तरीका से दे सकता है, एक या तो वो आपको कैश पैसा देगा, या तो वो आपको बैंक के थ्रू देगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ ऊपर में आपको यही बताना है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, और नीचे वाला जो ये बॉक्स है, नीचे वाला ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे बताना है कि ये पैसा आ रहा कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है, रीजन क्या है। यहाँ आपको देना है पैसा आने का जो रीजन है वो देना है, ठीक है ना? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आओगा? अब चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इस कंपनी का नाम मैंने दिया था BNDM ABCD। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BNDM ABCD, ठीक है? स्टार्टेड स्टार्टेड विथ कैश कैपिटल ऑफ, कैश कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ₹5 लाख। देखिए 1 2 3 4 5 0 है, हो गया है ना? अब इसका क्वेश्चन का मतलब भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि आप बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, या कुछ पहले से ही अकाउंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसा भी देख रहे होंगे ना? तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को टैली में सिखा सकूँ, है ना? तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिजनेस है, इसमें ऑनर पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसा ऑनर दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 लाख रुपया दे रहा है। 5 लाख से ऐसा कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस में पैसा लगा कौन रहा है? ऑनर लगा रहा है। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसा कहूँ कि बिजनेस जो है वो पैसा रिसीव कर रहा है, और वो रिसीव किससे कर रहा है? वो ऑनर से रिसीव कर रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि जब भी बिजनेस पैसा रिसीव करेगा तो उसका एंट्री हम लोग रिसीव वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे? रिसीव वाउचर में। अब ये ऑनर जो पैसा दे रहा है भाई, ये कैश में दे रहा है। दैट मीन्स ये जाएगा कहाँ पे? कैश अकाउंट में जाएगा। जाएगा कहाँ पे? ये कैश अकाउंट में देगा। और ऑनर दे रहा है तो ऑनर के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, जब वो देता है तो हम कैपिटल लिखते हैं। ऑनर का नाम का बदले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल शब्द का यूज करेंगे और हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना? और एक बात बता दूं, यही चीज ऐसा होता कि अगर ऑनर पैसा लेता तो हम लोग कैपिटल का जगह में ड्राइंग शब्द यूज करते, वो हम लोग देखेंगे बाद में। बट आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया हो, तो मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ करके, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ कैश। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूँ देखिए आप लोगों को, कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ता है लेजर का। अगर लेजर बना हुआ होगा तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिखाई देगा, अदरवाइज आपको लेजर बनाना होगा। और एक बात, आप लेजर वाला मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा होगा, उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है? और एक बात कि अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ क्रेट में जाके हम लोग लेजर बना सकते हैं, ठीक है? और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ रहता, हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ओके?
तो अब ऊपर में या तो कैश आ गया, अब नीचे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट का लेजर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सी लिखूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, साइड में गौर करिएगा, इस जगह पे कहीं पे भी आपको कैश दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दैट मीन्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो आप क्रेट में यहाँ क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस सी का प्रयोग करिए, अल्ट प्लस सी का प्रयोग करिए, या फिर आप यहाँ क्रेट में जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ बनाऊंगा कैपिटल, और ये जो कैपिटल है ये कहाँ जाएगा, जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक ग्रुप का चयन करना पड़ता है। हर एक लेजर के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो हम लोगों को कैपिटल ग्रुप में उसको डालना होता है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे इंटर मारते हुए इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लाख रुपया, ठीक है? देखिए काउंट करके देख लीजिए कितना है, 5 0 है ना, इंटर। अब देखिए जैसे ही इंट्री करेंगे ना तो आपको खुद समझ में हो जाएगा कि भाई आप कुछ जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए कैश में यहाँ आपको दिखा रहा होगा बैलेंस 5 लाख रुपया, और कैपिटल में यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका 5 लाख रुपया, ठीक है? अब उतना मत समझिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कैश में यहाँ बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब 5 लाख रुपया का कैश तो आपके पास आ गया बिजनेस में, ठीक है? और कहाँ से आया भैया, कैपिटल के द्वारा आया है, ठीक है? तो अब ये वाउचर एंट्री खत्म हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ है। कब खत्म होगा ये? जैसे हम लोग इंटर मारते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट दिखाई देगा यस और नो का, और उसके बाद आप इंटर मारेंगे ना तो ही आपका एंट्री खत्म होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों बॉक्स लिखते हैं और उसके बाद वाउचर चेंज कर देते हैं। तो भाई आप तो वाउचर एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो आपका एक एंट्री तो कंप्लीट नहीं हुआ, आप दूसरा वाउचर में जंप कर गए। अब फिर आपको लगता है कि मैंने तो एंट्री किया था मगर मेरा वाउचर एंट्री क्यों नहीं दिखा रहा है। भाई टैली को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आप सही तरीका से किए रहेंगे तो वो आपको डे बुक में आपका वाउचर दिखाएगा, और अगर आप नहीं किए रहेंगे तो वो कहाँ से दिखाएगा, अपने से तो एंट्री नहीं कर देगा, अपने आप से आपको वाउचर, अपने आप से ही वो आपका वाउचर को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आई होप कि अभी पहला एंट्री जो हम लोग देखे, जो रिसिप्ट के बारे में इतना लंबा चौड़ा मैंने आप लोगों को भाषण दिया है, आप लोगों को समझ में आ होगा। अब हम लोग मूव करते हैं आज का जो नेक्स्ट वाउचर है उसके तरफ, ठीक है? देखिए फिर से हम लोग रिसिप्ट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरह से हर एक वाउचर को समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाउचर जो है वो है हमारा पेमेंट वाउचर, और वो पेमेंट वाउचर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पेमेंट वाउचर यहाँ पे दिख रहा था, और पेमेंट वाउचर जाने का भी वही तरीका है। हम लोग कहाँ रहेंगे, अगर हम लोग गेटवे ऑफ टैली में है तो गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को जाना होगा वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद में F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, बात खत्म। अब रहा बात है कि पेमेंट वाउचर का यूज हम लोग कहाँ कब करेंगे, तो उसके लिए देखिए फिर से मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा। मैंने एक चीज बनाया, अब ये चीज क्या है भैया, ये मेरा बिजनेस है, सोच लीजिए क्या है बिजनेस, या हम लोग जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस है, ऐसा सोच लीजिए बिजनेस है। अब क्या होगा कि जब भी कभी भी बिजनेस में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कैश था ना भाई, क्या था, कैश अकाउंट था, या हो सकता है कि बैंक अकाउंट भी हो, जो भी हो इसी चीज को ना हम क्या कहेंगे, मनी। तो जब मनी आ रहा था उसका एंट्री हम लोग रिसीव्ड वाउचर में कर रहे थे, अब मनी जा रहा है, मतलब ऐसा भी तो होगा ना, अब मनी जा रहा मतलब मनी जाएगा भी ना, आप कुछ खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा देंगे, अगर आप किसी से लिए तो उसके लिए पैसा देंगे, ठीक है? ऑनर पैसा लगाया था, आप ऑनर को दरकार पड़ेगा तो वो पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से, तो उसको पैसा देंगे। तो जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा, दैट मीन जब भी बिजनेस किसी को पे करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एंट्री पेमेंट में करेंगे। उसका एंट्री कहाँ करेंगे, उसका एंट्री हम लोग पेमेंट में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। और इसका भी तरीका वही है कि देखिए यहाँ ऊपर में हम लोग ये बताएंगे कि पैसा जो है ना वो कैसे हम लोग का जा रहा है, क्या वो कैश अकाउंट से जा रहा है कि वो बैंक अकाउंट से जा रहा है, बस ये दो ही चीज हम लोग ऊपर में देंगे। और यहाँ नीचे में हम लोग ये मेंशन करेंगे कि पैसा क्यों जा रहा है, रीजन क्या है पैसा जाने का, रीजन क्या है
पैसा जाने का, क्या हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, या कोई हम लोग से मांग रहा था तो हम लोग उसको लोन दे रहे हैं, या फिर हम लोग किसी से लोन दिए थे उसके बदले हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और कितना दे रहे हैं वो हम लोग अमाउंट का नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगा और फिर यहाँ जाऊंगा, और अभी यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ब्रॉट BROUGHT, ब्राउट ए कंप्यूटर, ब्राउट ए CUMPUTER कंप्यूटर ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज 2500, 2500 है ना। एक कंप्यूटर हम लोग खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, 25,000 में खरीदे हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा लेजर बनाना होगा, एक तो आप कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर का लेजर जब आप बनाएंगे तो इसको कहाँ रखेंगे, आप फिक्स एसेट में रखेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स एसेट्स है, तो इसके लिए टैली में एक फिक्स एसेट का ग्रुप बना हुआ रहता है जब भी कोई हम लोग फिक्स एसेट बनाते हैं तो। और दूसरा बात है कि पेमेंट, पैसा जा कहाँ से रहा भैया, अभी कैश अकाउंट से जा रहा है, तो दूसरा लेजर जो रहेगा वो अफेक्टेड होगा कैश का, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग अब एंट्री करके देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूँ और वापस मैं यहाँ आऊँ तो ऊपर यहाँ पे आएगा कैश, और यहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर का लेजर बनाना होगा, तो अल्ट सी करके मैंने दबाया, ठीक है, और हम आ गए हैं लेजर स्क्रीन में। अभी यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग डाल देंगे कहाँ पे, मतलब ग्रुप क्या लेंगे इसके लिए, फिक्स एसेट लेंगे, और फिर अमाउंट जो है यहाँ पे हम लोग दे देंगे 25,000, ठीक है। तो हम लोग रिसीव वाउचर समझे, हम लोग देखे, फिर पेमेंट वाउचर हम लोग देखे, अब हम लोग बात करते चलिए काउंटर वाउचर के बारे में, ठीक है ना। तो काउंटर वाउचर कहाँ पे है, देखिए काउंटर वाउचर यहाँ पे, कैसे आया जाता है वो आप समझ गए होंगे, कैसे हम लोग को वाउचर में आना है। अब काउंटर वाउचर में क्या होता है, देखिए काउंटर वाउचर का यूज़ हम लोग कब करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे फिर से बनाता हूँ एक बॉक्स, और ये बॉक्स जो है ये हमारा बिजनेस है, ये बॉक्स हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस में जो ये पैसा था ना वो कहाँ था भैया, कैश अकाउंट में था, ठीक है। तो क्या होगा कि कभी ये पैसा बैंक में हम लोग डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, या फिर कभी ये पैसा बैंक से ही विड्रॉ करेंगे, मतलब बैंक में पैसा था तो बैंक से पैसा कभी आएगा तो कभी बैंक को जाएगा, कभी एक बैंक से दूसरा बैंक हम लोग को पैसा ट्रांसफर करना होगा। तो जब भी इस प्रकार से हमको ट्रांसफर ऑफ मनी करना होगा, ट्रांसफर ऑफ मनी करना होगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सा वाउचर का यूज करेंगे, हम लोग काउंटर वाउचर का यूज करेंगे, हम लोग कौन सा वाउचर का यूज करेंगे, काउंटर वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ ऊपर वाला डब्बा, यहाँ पे क्या होगा, पैसा जहाँ जा रहा होगा यहाँ पे उसी का नाम देना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो पैसा जा कहाँ आ रहा है, बैंक में जा रहा है, तो ऊपर में यहाँ पे हम लोग बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, और नीचे यहाँ पे कहाँ से जा रहा उसका हमको बताना होगा, तो यहाँ हम लोग कैश लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, इसको अगर मैं मिटा दूं, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग विड्रॉ करें, पैसा निकालें, तो जब हम लोग पैसा निकालेंगे तो पैसा वापस कहाँ आ रहा है, कैश अकाउंट में, तो ऊपर हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे और नीचे यहाँ पे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट लिखना होगा। इस छोटा सा चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग, मतलब ऊपर में क्या होता है, जहाँ पैसा जा रहा है वहीं लिखते हैं, ठीक है। पैसा अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि बिजनेस से कुछ पैसा अगर मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, बैंक में जमा कर रहा हूँ, दैट मीन्स डिपॉजिट हो रहा है बैंक में पैसा, तो अभी ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे आपका बैंक का नाम आएगा, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है।
और नीचे में भी कहाँ से जा रहा है, वो कैश से जा रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट। यही चीज क्या हुआ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि बैंक से वापस पैसा बिजनेस में आ रहा है तो क्या हो रहा है कि बैंक से वापस आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं पैसा। हम लोग बैंक से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तब इस केस में, क्या होगा कि यहाँ पे आपका ऊपर में हमको कैश लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बैंक लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन के द्वारा भी समझेंगे, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट इन SBI, इन SBI एंड डिपॉजिट, एंड डिपॉजिट 3 लाख रुपया। और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 लाख रुपया जमा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा दूं और वापस आप लोगों को यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो अभी हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब पैसा बैंक में जा रहा है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एच लिखूंगा तो क्या, एच नहीं एस था ना, SBI था, तो एस लिखूंगा तो क्या SBI आएगा, नहीं आएगा, मतलब कि उसका लेजर बना हुआ नहीं है तो बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं SBI लिखूंगा और इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे। SBI मतलब बैंक का लेजर जब भी बनाते तो उसके लिए कौन सा ग्रुप दिया रहता है, बैंक अकाउंट ग्रुप रहता है, दिया हुआ रहता है। तो इसको लेते हुए हम लोग ये बाकी सब को इग्नोर कर दीजिए तो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कैश होगा। और कितना पैसा हम लोग निकाल रहे थे, 3 लाख, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 लाख और इंटर 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 इंटर। देखिए ये भी हो गया, ठीक है ना। और एक चीज अगर मैं अभी आपको कैश लिख के दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1,75,000, जबकि 4,75,000 था कंप्यूटर खरीदने के बाद। अब क्या हुआ कि 4,75,000 से 3 लाख रुपया हम लोग बैंक में जमा कर दिए हैं, तो भाई जाहिर सा बात है यहाँ कितना दिखाएगा, यहाँ पे आपका 1,75,000 ही दिखाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बैंक लिख के दिखाऊं कि बैंक में कितना बैलेंस है, देखिए SBI, देखिए यहाँ पे 3 लाख रुपया जो हम लोग जमा किए थे वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ये भी कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। मैं बोलूँगा विड्रो 10,000, विड्रो 10,000 फ्रॉम SBI बैंक, SBI बैंक से हम लोग 10,000 रुपया निकाले हैं। तो इसका एंट्री कहाँ होगा, बैंक से पैसे निकाल रहे विड्रो कर रहे तो काउंटर वाउचर में ही होगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और वापस से देखिए हम लोग काउंटर वाउचर में ऑलरेडी है। अब पैसा हम लोग निकाल रहे हैं तो पैसा आएगा कहाँ, कैश में वापस आ रहा है, तो ऊपर में हम लोग क्या लेंगे, कैश लेंगे। और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे आपका बैंक का लेजर होगा, तो बैंक का लेजर कौन सा, हमारा SBI है, ले लिए। अब यहाँ पे गौर करिए 3 लाख दिखा रहा करेंट बैलेंस, हम लोग जैसे ही 10,000 निकालेंगे तो 2,90,000 यहाँ पे दिखाना चाहिए, और यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है। ठीक है, तो इंटर मारते हुए इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम लोग एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग कितना देखे अभी तक, आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वाउचर। नेक्स्ट वाउचर जो है वो हम लोग का होगा परचेस का, ठीक है ना। नेक्स्ट वाउचर हम लोग देखेंगे परचेस, ठीक है, नेक्स्ट वाउचर परचेस। अब परचेस का हम लोग कब यूज करेंगे, देखिए उसके लिए भी फिर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। और ये हो गया आपका बिजनेस, ठीक है ना, मतलब हमारा बिजनेस, अभी हम लोग जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस। ओके, तो अब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, भैया क्या खरीद रहे हैं हम लोग, हम लोग जिसका बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो खरीद रहे हैं, जिसे हम गुड्स कहते हैं। बात समझिए कि आप भी अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा एसेट्स, एसेट्स में क्या होता है कि हम लोग पढ़े फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको हम खरीदते हैं यूज करने के लिए।
जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग कंप्यूटर खरीदे थे, थोड़ा देर पहले हम लोग कंप्यूटर खरीदे थे, ये जो कंप्यूटर हम लोग खरीदे थे इसका हम लोग यूज करने के लिए खरीदे थे। क्या करने के लिए खरीदे थे? यूज करने के लिए खरीदे थे। और अभी यहाँ पे जो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ वो मैं LED खरीद रहा हूँ। LED मैं खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ? LED को मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, सेल करने के लिए खरीद रहा हूँ। सेल करके मैं इस LED में क्या करूंगा? प्रॉफिट अर्जित करूंगा। क्या करूंगा? प्रॉफिट अर्जित करूंगा। दैट मीन्स प्रॉफिट कमाने के लिए हम इस चीज को खरीद रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा LED, ये स्टॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये स्टॉक कहलाएगा। बात समझ रहे ना? ये हमारा स्टॉक कहलाएगा। तो जब भी इस प्रकार से हम लोग कुछ गुड्स खरीदेंगे बेचने के लिए, तो उसका एंट्री हम लोग परचेज में करेंगे, उसका एंट्री हम लोग परचेज में करेंगे। अब ये जो परचेजिंग होगा, ये तो कैश भी हो सकता है या फिर ये आपका क्रेडिट भी हो सकता है। ये तो कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। तो फिलहाल कैश होगा तो हम लोग एक जगह में लिखना पड़ता है हम लोगों को, जैसे कि पार्टी का नाम मांगता है हम लोगों से। क्या मांगता है? पार्टी का नाम। देखिए, जब हम लोग क्रेडिट में खरीदेंगे तो ही ना हम यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टी नेम में नेम ऑफ द पार्टी लिखेंगे, नेम ऑफ द पार्टी लिखेंगे। मगर अगर हम लोग कैश में अगर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिख के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? कैश लिख देंगे। ठीक है। फिर हम लोगों से परचेज का लेजर मांगेगा, तो हम लोगों को एक परचेज का लेजर बनाना होगा। एक हम लोग परचेज का लेजर बना देंगे, और उसके बाद में फिर जो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं वो हम लोगों को उसको डिटेल देना होगा कि कौन सा गुड खरीद रहे हैं, कितना गुड खरीद रहे हैं, एक गुड का दाम कितना है और टोटल वैल्यू क्या हो रहा है। ठीक है, वो सारा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि परचेज वाउचर का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं। और गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज होता है जिसको हम लोग जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अभी यहाँ पे ये सारा चीज हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे परचेज के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 2 3 4, ये 5 क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेज, PURCHASE परचेज द फॉलोइंग आइटम, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रमेश। क्या खरीद रहे हम लोग? 10 LED खरीद रहे। क्या खरीद रहे हम लोग? 10 LED। और 1 LED का दाम कितना है? 4,000। 1 LED का दाम कितना है? 4,000। ठीक है, बात समझ में आओगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए परचेस में हम लोग गए। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पार्टी का नाम मांगेगा, तो यहाँ हम लोग गए पार्टी का नाम। पार्टी का नाम अभी हम लोग को बनाना होगा। पार्टी कौन था हमारा? पार्टी था रमेश, RAMES रमेश। अब ये रमेश कौन है इसके बारे में भी मैं बता दूं। हालांकि आप मेरा अगर वो लेजर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि रमेश कौन है। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग किसी से परचेस करते हैं, कोई बंदा होता है ना, जैसे कि अभी ये बंदा कौन है? रमेश है। और ये रमेश है, दैट मीन्स अभी हम लोग जो ले रहे हैं वो क्रेडिट में सामान ले रहे, उधारी में ले रहे हैं। जब भी हम लोग कोई सामान उधारी में परचेस करते हैं और वो बंदा का यूज होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स बुक में अगर लिखना होता है, तो इस बंदा के लिए एक शब्द आता है, इनको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर। दैट मीन्स जब भी आप इसका लेजर बनाएंगे, जिससे आप परचेज कर रहे हैं उस बंदे का लेजर बनाएंगे, तो उसको आप सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप्स में रखिएगा। कहाँ रखेंगे? सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे वापस हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रमेश लिखा था, अब यहाँ से मैं सेंड्री क्रेडिटर का ग्रुप ले लेता हूँ, और इंटर मारते हुए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। उसी सबको अभी छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ, आप इंटर मारते हुए जाइए, सिर्फ आप वाउचर समझिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखिए परचेज लेजर, परचेज लेजर मतलब परचेज का लेजर यहाँ हमको बनाना होगा। तो RC करेंगे हम लोग, RC, और यहाँ पे PURCHSE परचेज, PURCHASE परचेज, और ये जाएगा कहाँ पे? ये आपका जाएगा परचेज अकाउंट में। कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में।
उसके बाद इंटर मारते भी इसको हम लोग एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम में हम लोगों को स्टॉक आइटम बनाना होगा। स्टॉक आइटम का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक बार आप देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। तो स्टॉक आइटम अगर हमको यहाँ से बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट सी करके जाएंगे हम लोग, या फिर क्रिएट का ऑप्शन देता हूँ वहाँ से भी जाएंगे। गौर करिएगा कि यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन दिखना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आप लेजर में चल जाते हैं और फिर लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर नहीं बनाना है, स्टॉक बनाना है। और अभी जो हमारा स्टॉक है उसका नाम क्या है, हम लोग एलईडी परचेस कर रहे हैं तो एलईडी इज अवर स्टॉक। अभी यहाँ जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे हमको इसका यूनिट देना होगा। अब यूनिट क्या होता है, मतलब एलईडी को आप खरीद रहे तो 1 2 3 4 गिनने के लिए क्या होता है, एनओएस इज नंबर्स होता है ना, यूनिट। अगर आप दाल चावल खरीदते तो केजी लिखते, अगर तेल खरीदते तो लीटर लिखते, इस प्रकार लीटर लिखते, नॉट लेटर, लीटर लिखते। तो इसको हम लोग यूनिट बोलते, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एनओएस, और उसके बाद लेते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ इंटर, फिर यहाँ इंटर, एंड देन यहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी भाई मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, फिर इंटर मार रहा हूँ और 4000 इसका दाम मैंने लिखा था। इंटर मारते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँ तो देखिए परचेज एंट्री भी कंप्लीट हो गया, परचेज एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं अभी आप लोगों को स्केप करके बाहर ले जाऊँ और उसके बाद यहाँ स्टॉक समरी में दिखाऊं तो देखिए 10 एलईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाउचर की तरफ। तो फिर से मैं वाउचर में जाऊंगा और नेक्स्ट वाउचर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सेल। अब देखिए कॉमन सा बात है, अभी हम लोग देखे कि जब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कुछ खरीदेंगे ना भाई, मतलब कि परचेस करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग परचेस किए क्या चीज़ का, एलईडी का। अब इसको बेचना तो होगा, इसको बेचना भी तो पड़ेगा ना। तो जब भी हम लोग सेल करेंगे किस चीज़ का सेल करेंगे भैया, गुड्स का सेल करेंगे, जो अभी हम लोग परचेस किए थे है ना, गुड्स का सेल करेंगे। तो गुड्स का सेल भी दो प्रकार से करेंगे ना, एक आपका कैश सेल करेंगे या फिर एक आपका क्रेडिट सेल करेंगे, कैश सेल करेंगे या क्रेडिट सेल करेंगे, ठीक है। अगर कैश सेल करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ कैश लिख देंगे, और क्रेडिट सेल करेंगे तो यहाँ पे जिस बंदा को हम लोग सेल कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, मान लीजिए राम है, रहीम है, सुरेश है, जो भी है। तो ये जो बंदा होगा ये सब कौन क्या कहलाएगा, ये सब हमारा डेप्टर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डेप्टर्स कहलाएगा। और इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, सेंडरी डेप्टर्स में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, सेंडरी डेप्टर्स, मतलब जो ग्रुप का चयन करना होगा जब हम लोग इस बंदे का लेजर बनाएंगे तो सेंडरी डेप्टर्स लेना होगा। और यहाँ पे देखिए सेल लेजर दिखा रहा है, तो इसके आगे में एक सेल का हम लोग लेजर बनाएंगे, और सेल का जब लेजर बनाएंगे तो भाई इसके लिए हम लोग सेल अकाउंट में इसको हम लोग रखेंगे, बस इतना चीज समझना है हम लोगों को। अब एक क्वेश्चन के थ्रू अब इसका एंट्री भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं इसको हटा दिया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, देखिए एक हम लोग रिसीप्ट के लिए देखे, एक पेमेंट के लिए दिखे, फिर 3 और 4 जो देखे वो हम लोग का क्या था, काउंटरा का था, फिर हम लोग 5 देखे जो परचेस का था, अभी हम लोग जो देख रहे वो सेल का था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सेल द फॉलोइंग आइटम, सेल द फॉलोइंग आइटम, सेल द फॉलोइंग आइटम टू, सेल द फॉलोइंग आइटम टू सुरेश। सुरेश कितना बेच रहे हम लोग, 5 एलईडी बेच देते हैं और इसको हम लोग 5000 करके बेच देते हैं, 4000 में कर देते हैं, हम लोग 5000 करके बेच देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका एंट्री हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए, और यहाँ पे पार्टी का नाम जो है यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सुरेश लिखेंगे। तो अल्ट सी करेंगे और लेजर बना लेते हैं सुरेश का, सुरेश कौन है, डेप्टर्स है। तो यहाँ पे डी आर, दैट मीन्स यहाँ पे सेंडरी डेप्टर्स आएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं। फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, इंटर मारते हुए हम लोग आगे गए, फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक बार मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पे हमको सेल का लेजर भी बनाना होगा ना। तो यहाँ पे फिर जाएंगे हम लोग, क्रिएट में क्लिक कर दीजिए या तो फिर अल्ट सी कर दीजिए, और लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आप वापस आ जाइए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस ई एल सेल, इंटर मारेंगे, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, सेल अकाउंट में रखेंगे। फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, और फिर हम लोग यहाँ आगे गए, और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, अब नेम ऑफ द आइटम क्या था, एलईडी हमारे पास ऑलरेडी है, तभी तो हम बेच रहे हैं, तो इसके लिए फिर से आप
मान लीजिए स्टॉक बनाने मत चल जाइएगा। ये भी बहुत बार बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं कि परचेज में जिस प्रकार से अल्ट सी करके स्टॉक बनाए रहते हैं, फिर इसमें जाके बनाते हैं तो वहाँ डुप्लीकेट दिखाता है, ऑलरेडी 1 2 करके आप फिर से बना देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये सब मत करिएगा। देखिए हम लोग कब बनाने जाते हैं, चाहे लेजर बना हुआ नहीं रहेगा तब जाते हैं, या स्टॉक बना हुआ नहीं रहेगा तब जाते हैं। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो हम लोगों को एक मैसेज दिखाता है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये दिखा रहा है। दैट मीन्स उस नाम का लेजर या उस नाम का स्टॉक हमारा बना हुआ है, तो हम क्यों बनाएंगे, हम उसी को लेंगे ना। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे एलईडी ले लिए हम लोग, और हम लोग 5 तो बेच रहे थे, और हम लोग कितना में बेचेंगे, हम लोग 5,000 में बेच रहे हैं। तो यहाँ मैं 5,000 लेते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लगभग हम लोग अभी कौन कौन सा वाउचर देख लिए, हम लोग देखे आपका कौन सा वाउचर देखे, हम लोग देखे रिसीट वाउचर, हम लोग देखे पेमेंट वाउचर, फिर हम लोग देखे आपका काउंटर वाउचर, फिर हम लोग देखे सेल वाउचर, फिर हम लोग देखे आपका परचेज वाउचर, ये सारा वाउचर सभी देखे। अभी और कुछ वाउचर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाउचर देखेंगे अभी, अभी हम लोग कुछ इन्वेंट्री वाउचर्स देखेंगे। ये सारा वाउचर्स जो हम लोग देखे थे, दीज आर द अकाउंटिंग वाउचर्स, ये सब को हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर्स जो है उसके लिए हम लोग को जाना होगा अदर वाउचर्स में, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा वाउचर्स जो होता है वो एक्टिवेट नहीं रहता है, तो एक्टिवेट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे सो इन एक्टिवेट में अगर जाऊँ, और उसके बाद सबसे पहला वाउचर जो हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स का देखने वाले हैं वो है आपका इन्वेंट्री वाउचर्स, मतलब ऑर्डर वाउचर बोलेंगे उसको, ऑर्डर वाउचर का देखने वाले जो है वो है आपका परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में जाके यहाँ पे इंटर करेंगे हम लोग, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए अभी हम लोग देखने वाले हैं परचेज वाउचर, PURCHASE, परचेज, परचेज वाउचर नहीं, परचेज ऑर्डर वाउचर, सॉरी, है ना, परचेज ऑर्डर वाउचर। अब ये परचेज ऑर्डर वाउचर कब यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, मगर ये एक्टिवेट कैसे करना होगा, ये पहले से एक्टिवेट नहीं होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको F10 दबाना होगा, F10 दबाने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सो एक्टिव दिखा रहा था, कहाँ जाना होगा, सो एक्टिव में जाना होगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे जो डीएक्टिव वाउचर है परचेज, यहाँ जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा परचेज वाउचर में, PURCASE परचेज ऑर्डर, नॉट वाउचर, परचेज ऑर्डर वाउचर में जाना होगा, और फिर यहाँ जाने के बाद आपको इंटर मारना होगा। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पे इंटर मारेंगे। इंटर मारने से ये आपको दिखा रहा है यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर, एक्टिव नाउ, हम बोलेंगे यस एक्टिवेट इट, ठीक है ना। तो आप देखिए परचेज ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। परचेज ऑर्डर भी आपको बिल्कुल परचेज की तरह ही दिखेगा, मगर ये काम परचेज का नहीं करेगा, ये परचेज ऑर्डर का करेगा। आप यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग समझा देता हूँ। देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है, ये है मेरा बिजनेस, ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। अब मुझको चाहिए कुछ सामान, मुझको चाहिए कुछ सामान, उसका मैंने क्या किया, लिस्ट बनाया, और ये लिस्ट मैंने भिजवा दिया मेरे क्रेडिटर का दुकान में, मतलब जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं, उसके पास ये लिस्ट को भेज दिए। तो जैसे ही ये लिस्ट रिलीज होगा, इसका एंट्री हम लोग करेंगे परचेज ऑर्डर में, इसका एंट्री हम लोग करेंगे परचेस ऑर्डर में, कि हम लोग एक ऑर्डर पास किए हैं, एक ऑर्डर दिए हैं फलाना दुकान में, जो भी ये दुकान वाला का नाम होगा उसके नाम के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर पास कर दिए हैं, उसका एंट्री हम लोग परचेज ऑर्डर में करेंगे। तो पार्टी का नाम आएगा जिस पार्टी को हम लोग ऑर्डर दिए, फिर ये परचेज में परचेज का ही लेजर बनेगा यहाँ सामान में, जैसे बाकी सारा चीज परचेस का ही होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये बंदा आपको सामान रिटर्न करेगा, मतलब जो जो लिस्ट में ये सारा सामान देगा। तो जिस दिन हम ये सारा सामान रिसीव्ड कर लेंगे, उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, उसका एंट्री हम लोग रिसीव नोट वाउचर बोल के एक मिलेगा हम लोगों को, उसमें करेंगे। देखिए जब हम लोग ये लिस्ट भेजे थे तो उसका एंट्री हम लोग परचेज ऑर्डर में करेंगे, और जब गुड्स हम लोग रिसीव कर लेंगे दुकान में, गुड्स हम लोग का आ गया तो रिसीव नोट्स में करेंगे, और इस गुड्स के साथ में क्या आएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, एक बिल का इन्वॉइस मिलेगा, दैट मीन्स बिल मिलेगा। तो इस बिल को चढ़ाने के लिए इसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, परचेस में, वापस से जाएंगे और परचेस में एंट्री करेंगे।
ठीक है, परचेज वाउचर में जब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे तब तक हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद जब हमको गुड्स मिल जाएगा तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे कहाँ पे, रिसीप्ट नोट में, और उसके बाद जो बिल का एंट्री होता है उसको हम लोग कहाँ करेंगे, परचेज में करेंगे, कहाँ करेंगे, परचेज में करेंगे। देखिए मैंने आपको तीनों समझा दिया, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और वापस से मैं यहाँ जाता हूँ, और देखिए अभी जो क्वेश्चन होगा कितना होगा, देखिए काउंटर एक क्वेश्चन दो बे हो था, काउंटर का था 3 और 4, उसके बाद में परचेज का 6, फिर सेल का 7, ऐसा था ना, ये दोनों परचेज सेल, ये दोनों काउंटर, और ये आपका रिसीव्ड और पेमेंट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ गिवेन परचेज ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर मैं दे देता हूँ, ऑर्डर नंबर मान लीजिए कि ये P/001 में कर दे रहा हूँ। गिवन परचेज ऑर्डर टू रमेश, किसको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, हम लोग रमेश को दे रहे हैं, क्या चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि मैं 20 LED का ऑर्डर दे रहा हूँ और एक LED का दाम 4,000 है, एक LED का दाम 4,000 पड़ रहा है, ठीक है ना, 20 LED का हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर नंबर है, किसको दे रहे हैं हम लोग, रमेश को ही दे रहे हैं, ठीक है, रमेश का तो बना हुआ रहेगा तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे P/001 इट इज ए ऑर्डर नंबर, ये आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर देना होगा, पार्टी का नाम जहाँ देते थे वहीं देंगे, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, वापस से मैं यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ पार्टी का नाम में मैं यहाँ पे अर्सी क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा पार्टी तो बना हुआ रहेगा, क्योंकि हम लोग सेल किए थे रमेश से, परचेस किए थे रमेश से पहले, तो यहाँ मैं रमेश ले लूंगा और इंटर मारते हुए आगे जाऊंगा, आगे जाऊंगा, और यहाँ पे एक मिनट, ये मेन चीज है, यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर नंबर देना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर नंबर क्या दिए थे हम लोग, P/001, ये ऑर्डर नंबर था, इसको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे परचेस का भी लेजर बना हुआ तो उसी को ले लेते हैं, अब LED भी बना हुआ तो LED भी ले लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जो रहेगा वैसे रहने दीजिएगा, फिर इंटर मारिएगा तो हम लोग क्वांटिटी में आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्वांटिटी दे दीजिए, 4,000 का ही रेट का ही हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कि जो LED चाहिए उसका रेट 4,000 होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिए, हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो आपका भेज दिए हम लोग, इसको इसका एंट्री से देखिए यहाँ पे स्टॉक में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके जाऊँ स्टॉक समरी में दिखाऊं, तो देखिए अभी हम लोग ऑर्डर दिए है ना, तो यहाँ फिर 5 ही स्टॉक दिखा रहा है जो पहले था, अभी कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो बंदा जो हमारा सामान था वो हम लोग को पहुंचा देगा, तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, उसका एंट्री हम लोग रिसीव नोट में करेंगे, तो फिर हम लोग गए वाउचर में, अब रिसीव नोट जो है वो भी तो आपका डीएक्टिव रहेगा, उसको हम लोग को एक्टिवेट करना होगा, उसके लिए कहाँ जाना होगा, अदर वाउचर में जाना होगा, अदर वाउचर में जाने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, सो इनएक्टिव में जाएंगे, फिर सो इनएक्टिव में जाने के बाद में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रिसीव नोट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा रिसीव नोट। अब रहा सवाल रिसीव नोट वाउचर का यूज हम लोग कब करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग एक लिस्ट दिए है, क्या दिए है, एक लिस्ट दिए है जहाँ से हम लोग सामान खरीदते थे, जैसे आप राशन दुकान में गए और लिस्ट दे के आ गए, अब ये बंदा जो था राशन वाला सामान लेकर आपके दुकान घर में ला दिया, सामान आप पकड़ लिए, सामान घर के अंदर ले गए, तो जैसे ही आप सामान ले लिए तो आप इसको मेंशन करने के लिए रिसीव नोट में इंटर करेंगे कि गुड्स हम लोग रिसीव कर लिए हैं, गुड्स हम लोग रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ रिसीव नोट्स को इंटर। अब रिसीव नोट्स में भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से दिखा रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम मांग रहा है, तो हम लोग किससे रिसीव करेंगे गुड्स, रमेश से। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्डर नंबर, मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, जिस गुड्स जिस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो ऑर्डर नंबर का चयन यहाँ पे करना जरूरी है, ये वाला चीज, जैसे अभी यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखा रहा था, इसको हम लोगों को लेना होगा कि इस ऑर्डर नंबर का गुड्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है।
अब हमें यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग गए, ऑर्डर नंबर हम लोग लिए और इंटर मारेंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सारा चीज अपने आ जाएगा। देखिए सब आ गया। अब रहा ट्रैकिंग नंबर। देखिए ये सारा चीज आपको इनवॉइस में मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी फिलहाल समझने के लिए ये जो नंबर है ये काम आएगा जब हम लोग बिलिंग करेंगे। जब हम लोग बिलिंग करेंगे एट दैट टाइम ये ट्रैकिंग नंबर का काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर था उसी को मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ट्रैकिंग नंबर दे दिया हूँ। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और यहाँ जाते हैं और फिर इंटर मारते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, देखिए गुड्स जो है वो मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि गुड्स हम लोग रिसीव कर लिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ स्टॉक समरी में, और स्टॉक समरी में देखिए यहाँ पे जो 5 था वो आपका 25 हो गया है। मगर अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस में ले जाऊँ, अगर डिस्प्ले मोड में जाकर ट्रायल बैलेंस में हम लोग जाएंगे और अगर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाऊँ, यहाँ पे डिटेल में दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि परचेज बिल टू कम दिखा रहा है, और इसमें मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये दिखाएगा कि गुड्स तो रिसीव हो गया है मगर बिल रिसीव नहीं हुआ है। बिल रिसीव नहीं हुआ मतलब बिल का एंट्री हम लोग नहीं किए हैं, जो कि हम लोग को परचेज में जाके करना होगा। जब तक हम लोग परचेज में एंट्री नहीं करेंगे तब तक हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग सही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। अब मान लीजिए कि हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वो वहाँ पे ऑर्डर दिए थे फिर हम लोग गुड्स लिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल भी हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे फिर पार्टी का नाम ले, क्या कहाँ जाएंगे हम लोग, परचेज में जाएंगे ना। बिल के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, परचेज में जाना होगा। यहाँ गए हम लोग, यहाँ पे पार्टी का नाम रमेश था ये लिए हम लोग, फिर इसको हम लोग सेलेक्ट किए, फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, इंटर 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 इंटर। तो हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग देखे थे सिमिलरली उसी प्रकार से ही सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग भी होता है। अब इसमें होता क्या है देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके लिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन तो लिखने के क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग जो सामान हम लोग को जो ऑर्डर मिल रहा है वो सूरज से ही मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ देखिए अब क्या हुआ कि कोई जो बंदा हम लोग से खरीदता था, जो बंदा हम लोग से खरीदता था मतलब कि जो हम लोग का डेप्टर्स था, कौन था भाई डेप्टर्स, अभी फिलहाल हमारा डेप्टर्स कौन है, सुरेश है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि सुरेश एक लिस्ट हम लोग को दिया कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, हम लोग को बोल रहा है वो, हम लोगों का बिजनेस को बोल रहा है। तो ये जैसे इसका हम लोग रिसीव करेंगे ना कि ये लिस्ट हम लोग रिसीव किए, तो इसका एंट्री कहाँ होगा, सेल ऑर्डर में होगा। इसका रिसीव्ड कहाँ, इसका एंट्री कहाँ होगा, सेल ऑर्डर में होगा। उसी प्रकार से इसके लिस्ट के अनुसार अगर मैं गुड्स को इसके पास भेज दूं, इसके लिस्ट के अनुसार अगर मैं गुड्स का क्या कर दूं, डिलीवरी कर दूं, गुड्स का डिलीवरी कर दूं किसके अगेंस्ट में, इस लिस्ट के अगेंस्ट में जो ये मांगा था, तो इसका एंट्री हम लोगों को डिलीवरी नोट्स नाम का एक बाउचर आएगा उसमें करना होगा कि हम लोग गुड्स जो है वो हम लोग भेज दिए। अब इसके लिए हम लोग को बिल भी तो बनाना होगा, बिल भी तो बनाना होगा। तो ये बिल बनाने के लिए इसका एंट्री हम लोग को सेल में करना होगा, इसका एंट्री हम लोगों को सेल में करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, रिसिप्ट सेल ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, SUREESH सुरेश। ठीक है, मान लीजिए कि 20 LED का ही हम लोग को ऑर्डर मिल गया और 5,000 करके LED हम लोग को बेचना है। ऑर्डर नंबर जो है यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर जो है वो लिख देता हूँ S/001, जैसे उसको P लिख दिए थे इसको हम लोग S लिख दिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से मैं बोलूंगा कि डिलीवर गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर S001। ठीक है, और
विथ बिल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विथ बिल मतलब बिल के साथ में, मतलब इसमें दो एंट्री करना होगा, एक डिलीवरी नोट्स में और एक आपका सेल में, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को अदर वाउचर में जाना होगा, अदर वाउचर में जाके क्या करना होगा, सो इनएक्टिव में जाना होगा, सो इनएक्टिव में जाने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है ना। तो सेल ऑर्डर वाउचर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग पार्टी का नाम लिखेंगे, तो पार्टी का नाम बना हुआ था, क्या था, सुरेश, यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग जाएंगे आगे 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 आगे। अब यहाँ पे S/001, ये हमारा सेल ऑर्डर है, नंबर है, फिर इंटर, उसके बाद यहाँ पे सेल, फिर क्या हम लोग सेल कर रहे हैं, मतलब लिस्ट क्या था हम उसमें, एलईडी, तो एलईडी ले लेंगे। कितना का ऑर्डर था, 20 का था, 5,000 करके, ठीक है। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी क्या किया है, हम लोग सिर्फ हम लोग सेल ऑर्डर रिसीव किए, सेल नहीं किए अभी हम लोग, सेल नहीं किए हम लोग, ठीक है। अब गुड्स हम लोग डिलीवर करेंगे, तो गुड्स डिलीवर करने के लिए, अगर गुड्स डिलीवर कर लिए है तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, डिलीवरी नोट्स में करेंगे। तो हम लोग अदर वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे फिर से हम लोगों को सो इनएक्टिव में जाना होगा और फिर हम लोगों को डिलीवरी नोट्स में आना होगा। और उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे, फिर हम लोग यहाँ इंटर मारेंगे एंड देन अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, किसको डिलीवर कर रहे हैं, भाई हम लोग सुरेश को डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सुरेश लेंगे। फिर अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे फिर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को ये ऑर्डर नंबर लेना जरूरी है, जिस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हम लोग गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं एंड देन मैं इंटर मारूँ मारूँ और इंटर मारते हुए आगे जाऊँ। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर में फिर से मैं ऑर्डर नंबर ले ले रहा हूँ और इंटर मारते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये सेल ऑर्डर हो गया। अभी सेल ऑर्डर, अभी हम लोग जाके स्टॉक समरी में देखेंगे तो क्या हमारा स्टॉक घटा होगा, नहीं घटा होगा ना भाई, हम लोग सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री किए कि ये सामान हम लोग को भिजवाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सामान, सोचिए सब ऑर्डर क्लियर हो गया, जो सामान रेट हम लोग को जज गया, अब हम लोग क्या किया, अपना दुकान से ये सामान का डिलीवर कर दिए, ठीक है, उसके दुकान के लिए। तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, उसके लिए हम लोग को जाना होगा अदर वाउचर में, अदर वाउचर में, सॉरी सॉरी, डिलीवर नोट्स तो हम लोग पास कर दिए ना, डिलीवरी भी कर दिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को बिल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा। तो बिल बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, सेल में जाना होगा, और सेल में जाके क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग सुरेश लेंगे, फिर यहाँ पे ये जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था उसको लेंगे, फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे। और उसके बाद में सबको इंटर मारते हुए, आप आँख बंद करके भी इंटर मारिए, आपका ये खत्म, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ होगा। तो देखिए अब हम लोग आज क्या क्या वाउचर देखे हैं, देखिए लगभग बहुत जो जो वाउचर का जो रेगुलर यूजेस होता है वो हम लोग देख चुके, जैसे कि हम लोग देखे रिसीट वाउचर, हम लोग देखे पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, फिर हम लोग देखे काउंट्रा वाउचर, फिर हम लोग देखे परचेज वाउचर, फिर हम लोग देखे सेल वाउचर, फिर हम लोग देखे परचेज ऑर्डर वाउचर, फिर हम लोग देखे परचेज ऑर्डर वाउचर, उसके बाद हम लोग देखे रिसीप्ट नोट वाउचर, उसके बाद में फिर हम लोग देखे क्या वाउचर देखे, हम लोग रिसीव नोट के बाद सेल ऑर्डर देखे, हम लोग सेल ऑर्डर वाउचर, उसके बाद हम लोग फिर क्या देखे, 9 नंबर में हम लोग देखे आपका डिलीवरी नोट वाउचर, ठीक है, ये सारा हम लोग देखे। क्या नहीं देखे हम लोग, हम लोग डेबिट नोट, बहुत सारे चीज़ नहीं देखे, मगर कौन सा चीज़ हम लोग को देखना चाहिए था जो हम लोग नहीं देखे, वो है डेबिट नोट वाउचर देखना चाहिए था, वो हम लोग नहीं देखे। फिर आपका क्रेडिट नोट वाउचर एक तो देखना चाहिए था हम लोगों को, वो नहीं देखे हम लोग अभी। उसके बाद में फिर आपका रिजेक्शन इन एक देखना था, वो हम लोग नहीं देखे। फिर
रिजेक्शन आउट देखना था, ठीक है ना, वो हम लोग नहीं देखे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में फिर एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें ये सारा तो हम लोग एक्सप्लेन देख लिए, दो दो बार देख लिए, एक बार सिंगल सिंगल देख लिए, फिर आज के क्लास में देख लिए। तो मैं काम करूंगा, मैं क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा, क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है ना। तो 20-25 क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में मैं आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, इन सारे को भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना।